हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल लो स्कॉलर्स। आई एम एडवोकेट वनिता। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक नया सब्जेक्ट शुरू करने का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। मुझे काफ़ी ये सजेशंस मिले कि जो बड़े एक्ट का है उस पर तो सभी की लगभग कमांड होती है, लेकिन जो छोटे एक्ट है उनको जो है शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो छोटे एक्ट हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, सोगा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो चेक बाउंसेस की केसेस हो गए, इनके रिगार्डिंग जो है ये जो टॉपिक है बड़ी जल्दी कवर हो जाते हैं। हमारा जो ये टॉपिक है वो 15-20 लेक्चर में कवर हो जाएगा। हमारा जो ये सब्जेक्ट है 15-20 लेक्चर में कवर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, मेन सब्जेक्ट्स को तो अच्छे तरह से स्टडी कर लेते हैं, जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं, जो स्मॉल टॉपिक्स हैं, वो हम इग्नोर कर देते हैं और एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले ही हम उसकी तैयारी करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो है ये स्मॉल सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि सभी का जो फोकस होता है वो बड़े सब्जेक्ट्स पे होता है, लेंथी सब्जेक्ट्स पे होता है, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी जैसे सब्जेक्ट्स पे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन पे होता है। लेकिन बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो छोटे एक्ट्स पर, स्मॉल एक्ट्स पर फोकस करते हैं। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसको अमेंडमेंट के साथ हम अच्छे से कवर करें, और जितना मुझे उसके रिगार्डिंग जितनी नॉलेज है, जितने उसके रिगार्डिंग एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे आज हम कवर करेंगे। सॉरी, आज नहीं, हम पूरे सिलेबस में कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग होगा, कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जो इंट्रोडक्शन है उसकी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आया, क्या उसका मीनिंग होता है, और क्या कुछ उसके रिगार्डिंग एस्पेक्ट्स हैं, वो सारा का सारा आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से पसीना बहुत आ रहा है, तो जैसे भी है हमें वीडियो तो बनाना ही है, तो वीडियो चलो आज का हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इंट्रोडक्शन के अंदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट्स के रिगार्डिंग जो भी हिस्ट्री, डेवलपमेंट, जो जो स्टेप्स उठाए गए, वो सारा का सारा डिस्कस किया जाता है। तो आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से रिलेटेड जो भी इसकी हिस्ट्री है, जो भी इसका उद्भव है, वो सारा का सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सबसे पहली बार जो है लॉ ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 की फॉर्म में एग्जिस्टेंस में आया। बिफोर पासिंग सच एक्ट, इस एक्ट को पास करने से पहले जो लॉ ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट था वो सेक्शन 15 और सेक्शन 192 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1859 था, उसके अंदर कंटेन था। सॉरी, जब 1870 का जो एक्ट आया उससे पहले क्या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का कुछ वजूद ही नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं था। हमारा जो सिविल प्रोसीजर कोड है 1908, इससे पहले का जो सिविल प्रोसीजर कोड था 1859, उस 1859 एक्ट के सेक्शन 15 में डिक्लेरेटरी डिग्रीज और सेक्शन 192 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये दो प्रोविजंस थे वो इंक्लूड किए हुए थे। सबसे पहले जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो प्रोविज़न था वो इंग्लैंड में डेवलप हुआ, इक्विटी कोर्ट्स में। इंग्लैंड में जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का इन्वेंट का मतलब उद्भव, जब इसका आगमन नहीं हुआ था, उससे पहले डैमेजेस के रिगार्डिंग जो एक रेमेडी थी वो रेमेडी थी इक्विटी के बेस पर। इंग्लैंड में अगर किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता था तो उसके रिगार्डिंग, जब कोई प्रॉमिस किया गया था कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, उस प्रॉमिस को जब फुलफ़िल नहीं किया जाता था, तो उस ब्रीच के एवज में जो डैमेज की डिमांड की जाती थी वो इंग्लैंड में शुरू हुआ था। और इक्विटी कोर्ट की, इक्विटी का मतलब जो कोर्ट्स होते हैं, जो जजेज होते हैं, वो अपने बिहाफ पर बिना किसी प्रोविज़न के, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से, इक्विटी के आधार पर जो कुछ डैमेजेस दे देते थे, जो कुछ फैसला दे देते थे, वो इक्विटी कोर्ट में काउंट होता था। कई बार क्या होता है कि जो हम डैमेज, मान लो कि एक मकान है, हमने किसी मकान का सौदा किया किसी व्यक्ति से, उस व्यक्ति ने कहा कि 3 महीने के बाद इस मकान का मालिकाना हक हम आपको दे देंगे और आप जो है कुछ रुपया दे देना, जो बचा हुआ रुपया बाद में देने की बात हुई। हम उसको पूरा रुपया दे रहे हैं, लेकिन मालिक जो है वो मकान हमें बेचना नहीं चाह रहा, वो कह रहा है कि आप जो अपने पैसे वापस ले लीजिए। हम उस मामले में ये चाहते हैं कि हमारा जो मकान लेने का जो उद्देश्य था, जिस वजह से हमने रुपया इधर उधर से लिया, तो हमें मकान ही लेना है, उस एवज में हम रुपये का क्या करें। तो जब वो डैमेजेस जो है वो इनसफिशिएंट हो जाती है, जब डैमेजेस की कोई वैल्यू नहीं रहती हमारी नज़र में, उस मकान की वैल्यू है, तो उस मामले में हम स्पेसिफिक रिलीफ की डिमांड करते हैं।
स्पेसिफिक रिलीफ का मतलब है कि जो चीज़ हमें चाहिए हमें वही चीज़ मिलनी चाहिए, उसके बदले में हमें किसी प्रकार का डैमेजेस भुगतान जो है नहीं चाहिए। शुरुआत में जो ये न्यूयॉर्क सिविल कोड था 1862 का और जो 1877 में पास हुआ, यानी कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 है वो न्यूयॉर्क सिविल कोड 1862 के ऊपर बेस्ड था। उसके बाद इसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स हुए, 1882 में अमेंडमेंट हुआ, 1891 में अमेंडमेंट हुआ, 1899 में अमेंडमेंट हुआ, 1929 में अमेंडमेंट हुआ, 1940 में अमेंडमेंट हुआ, 1951 में अमेंडमेंट हुआ और लास्ट में इस एक्ट को रिपील कर दिया गया। और जो करंट में जो स्पेसिफिक रिलीफ का एक्ट जो हमारे प्रेवलेंस में है, हमारे करंट सिचुएशन में प्रिवेल कर रहा है, उसको पास किया गया और 1877 के एक्ट को रिपील कर दिया गया। अब क्या है कि इंडिया में जो कॉमन लॉ डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी थी उसको परंपरागत तौर में यूज़ किया जाता था 1947 से पहले। हाउएवर इट वॉज इन 1963 में पहली बार स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, किसकी रिकमेंडेशन पे, यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 9th रिपोर्ट जो थी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के ऊपर, जो 9th रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की, उस रिपोर्ट को जो सबमिट किया गया था 19 जुलाई 1958 में, उसके बेस पर 1963 में 1877 के एक्ट को रिपील कर दिया गया और 1963 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को लेके आया गया। 1962 में बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, जून 1962 में इसे जब इंट्रोड्यूस किया गया तो उसके बाद 1877 के एक्ट को रिपील कर दिया गया। ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये बेसिकली डिस्क्रिशन पे बेस्ड था। इंग्लिश इक्विटी कोर्ट में इसकी डॉक्ट्राइन प्रिवेल हुई थी, इसकी डॉक्ट्राइन इवॉल्व हुई थी। ये पूरी तरह से इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस, गुड कंसाइंस का मतलब है कि एक जज की खुद की जो सोच है, जनरल प्रूडेंस मैन की जो सोच होती है, उसके बेस पे जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसके प्रोविज़न को रखा गया। और किसी व्यक्ति को जब डिमांड होती थी कि उसे स्पेसिफिक रिलीफ दिया जाए तो इक्विटी के बेस पर वो रिलीफ दिया जाता था, क्योंकि उस टाइम में कोई एक्ट प्रिवेल ही नहीं करता था, कोई एक्ट आया ही नहीं था। जो सिचुएशन 1963 के एक्ट में कवर नहीं की गई थी, इंडियन कोर्ट ने धीरे धीरे अपने इनहेरेंट पावर का यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनहेरेंट पावर तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो एक सिविल रेमेडी होती है और सिविल रेमेडी सिविल लॉ के तहत ही गवर्न की जाती है। तो सीपीसी में जो सेक्शन 151 है जहाँ इनहेरेंट पावर दी गई है उसका यूज़ करके जो जजेज हैं वो स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड करवा देते थे। इस लॉ का क्या नेचर है, कोई भी लॉ होता है ना वो बेसिकली थ्री कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पहला तो वो लॉ जो राइट्स डिफाइन करता है, जैसे राइट्स हैं सब्सटेंटिव लॉ में, सब्सटेंटिव लॉज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जैसे आईपीसी। रेमेडीज डिफाइन करते हैं जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, रेमेडी है, और आईपीसी में भी रेमेडी है लेकिन वो क्या पनिशमेंट की फॉर्म में है। और प्रोसीजर डिफाइन होता है जैसे सीआरपीसी और सीपीसी के जो ऑर्डर्स होते हैं। आज थोड़ा सा ना गला प्रॉब्लम दे रहा है तो मुझे रुक रुक के लेक्चर बनाना पड़ रहा है। आप थोड़ी सी सुविधा के लिए माफ़ी मांगती हूँ मैं, आप इनकन्वीनियंस के लिए प्लीज़ सॉरी। लॉ ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो दूसरी कैटेगरी से डिफाइन करता है, ये रेमेडी बताता है कि अगर आपके अधिकारों का हनन हो गया तो आप क्या रेमेडी लोगे, क्या आप कंपनसेशन लोगे, क्या आप डैमेजेस लोगे, या आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत रिलीफ लोगे। तो रिलीफ है उसका दूसरा मीनिंग ही रेमेडी होता है जो कोर्ट में अलाउ किया जाता है। सूटर, सूटर्स का मतलब जो सूट फाइल करते हैं उनको दिया जाता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल और सिविल राइट्स पर डिपेंड करता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है उसी तरीके से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है एक तरीके से, और कॉन्ट्रैक्ट का जब ब्रीच होगा तब स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो लिया जाता है। ये एक्ट जब प्रिवेल करने लगा, एग्जिस्टेंस में आया,
तो कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल जो ऑब्लिगेशन थी कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो आपके अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों में जब आपको ये लगता था कि मॉनेटरी मतलब रुपयों के अंदर उसका भुगतान नहीं हो सकेगा, तो उस मामले में आप स्पेसिफिक रिलीफ की डिमांड करते हैं। और जब आप स्पेसिफिक रिलीफ की डिमांड करते हैं तो आपको जब वो रिलीफ दिया जाता है तो वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत ही दिया जाता है। इसमें होता क्या है कि जिस पार्टी का राइट जो है वो वायलेट हुआ है, वो कोर्ट में जाएगा, वो प्लेंट फाइल करेगा, वहाँ डिमांड करेगा कि उसको क्या चाहिए, जो उसने डिमांड किया वही उसको मिलता है। और अगर स्टार्टिंग में वो डिमांड नहीं कर पाता तो बाद में वो अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट के थ्रू जो है उस रेमेडी को ले सकता है। जो पार्टी अफेक्ट होगी वही मूव करेगी कोर्ट के अंदर, जिसको बेनिफिट हो रहा है वो तो मूव करेगी नहीं। ये एक्ट जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को भी बताता है कि अगर किसी के कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो वो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है जहाँ पर मॉनेटरी रिलीफ जो है वो एडिक्यूट नहीं है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो एक अल्टरनेटिव रेमेडी आपको देता है कि अगर आपको लगता है कि रुपए से आपकी जो नुकसान है उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी तो आप जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हो। और ये सब कुछ जो है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पर डिपेंड करता है, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स की कंडीशन पे ये प्रिवेल करेगा। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि अगर दोनों में से जो ब्रीच करेगा वो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगा, और अगर मान लो आपके बीच में वो ब्रीच हो जाता है और सामने वाली पार्टी आपको कॉन्ट्रैक्ट के एवज में 6 रुपये इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पेमेंट नहीं देती, तो आप कोर्ट में जाकर स्पेसिफिक रिलीफ के तहत 6 रुपये इंटरेस्ट के हिसाब से या 6% इंटरेस्ट के हिसाब से डिमांड कर सकते हो। डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का मीनिंग क्या होता है। जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट होता है, रिलीफ जो होता है उसका मतलब होता है रिलीफ इन स्पेसी, स्पेसी मतलब स्पेसिफिक, यानी कि जो हमारी चीज़ है हम उसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमने किसी व्यक्ति से कॉन्टेक्ट किया कि वो हमारे जो है घर में आकर पर्टिकुलर डे को एक सॉन्ग गाएगा, या वो म्यूजिशियन है तो अगर वो सॉन्ग गाएगा, और अगर मान लो उसको कोई उसका एक्सक्यूज़ नहीं है, उसका कोई वैलिड एक्सक्यूज़ नहीं है, रीजनेबल कॉज नहीं है, और वो आकर उस दिन सॉन्ग नहीं गाता तो वो जो है ब्रीच कर देता है। तो लेकिन उसका भी एक एक्सेप्शन है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कि अगर व्यक्ति के पर्सनल क्वालिटी पे, पर्सनल वॉल्यूशन पे अगर हमें कोई एक्ट करवाना है तो उसके मामले में हम स्पेसिफिक डिमांड नहीं करवा सकते। मान लो हमने एक म्यूजिशियन को कह दिया कि तो हमारे जो है बच्चे के बर्थडे पर आप धुन बनाओगे, आप म्यूजिक दोगे, लेकिन अगर वो नहीं करना चाहता तो हम उस मामले में उस पर प्रेशर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो जो म्यूजिक हम चाहते हैं वो म्यूजिक देगा ही नहीं, तो उस टाइम में हमें डैमेजेस मिलेगा, स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो हमें नहीं मिलेगा। ये एक ऐसी रेमेडी है जो हमारा जो ऑब्लिगेशन है उसको कोर्ट ने रिकॉग्नाइज़ कर दिया। हमारा जो एक ऑब्लिगेशन बनता है कि जब हमने कोर्ट में जब एक कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट में हमारा एक ऑब्लिगेशन है कि हम दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करेंगे और जो कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स और कंडीशन है उसको फॉलो करेंगे। अगर हम उनको फॉलो नहीं करते हैं तो लॉ ने रिकॉग्नाइज़ कर दिया कि उसके रिगार्डिंग जो है आपको जो स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड करवाया जाएगा जो आपकी डिमांड है, अगर वो प्रोवाइड करवाया जा सकता है तो। लेकिन जो पर्सनल वॉल्यूशन पे और जहाँ पर मॉनेटरी रिलीफ जो है वो एडिक्यूट है, यानी कि रुपए का भुगतान करके आपका जो आपका लॉस है उसको पूरा किया जा सकता है, तो उस मामले में आप स्पेसिफिक रिलीफ की डिमांड नहीं कर सकते। स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो किसी भी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट में जो डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट का मतलब जो डिफ़ॉल्टर होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जिसकी कमी से जो ब्रीच हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच को दूर करने के लिए जिस व्यक्ति की कमी है उसके द्वारा जो है वो भुगतान किया जाएगा। स्पेसिफिक रिलीफ का जो राइट है वो दूसरे व्यक्ति को दिया जाएगा। मान लिया दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि एक पर्टिकुलर ज़मीन है, उस ज़मीन का हम 10 लाख में सौदा कर रहे हैं, और आज से 3 महीने के बाद आधी पेमेंट जो है मैं उस टाइम दूँगा, आधी पेमेंट मैं दे चुका हूँ। जब आधी पेमेंट हमने उसे दी और अब वो जो है परफॉर्म नहीं कर रहा, वो जो है हमारे रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा उस प्रॉपर्टी का हमारे नाम से, उसने सारी पेमेंट ले ली, तो उस मामले में अगर वो व्यक्ति कहता है कि वो जो मैं पेमेंट का भुगतान कर दूंगा, मुझे वो प्रॉपर्टी का भुगतान नहीं करना, और हम ये चाहते हैं कि हमें वही स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए, तो हम कोर्ट में क्लेम करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ का कि हमें जो है वही प्रॉपर्टी चाहिए जिसका हमने भुगतान किया, हमें वो डैमेज नहीं चाहिए, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के साथ हमने काफ़ी कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ कर लिए जिसका हमें लॉस हो रहा है। तो वहाँ पर एडिक्यूट रिलीफ जो है, जो मॉनेटरी रिलीफ है वो एडिक्यूट नहीं है,
एडिक्यूट का मतलब है कि वो पूरी नहीं हो सकती पूर्ति उस रुपए से, तो उस मामले में हम स्पेसिफिक रिलीफ करवाएंगे और वो प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन है अपने नाम से ले लेंगे। ये एक पॉजिटिव क्लेम होता है परफॉर्मेंस करवाने का। और नेगेटिव क्लेम, पॉजिटिव क्लेम का मतलब जिस व्यक्ति ने परफॉर्मेंस करवानी है, नेगेटिव मतलब जो परफॉर्म नहीं करना चाहता। ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट है, ए चाहता है कि वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना चाहिए और बी चाहता है कि पूरा नहीं होना चाहिए, तो वो पॉजिटिव परफॉर्मेंस के लिए कि पूरा होना चाहिए उसके रिगार्डिंग वो कोर्ट में केस डाल देगा, सूट फाइल कर देगा और उसके तहत जो स्पेसिफिक रिलीफ की डिमांड कर लेगा। और ये एक ऐसी रेमेडी है जिस रेमेडी में कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है दूसरी पार्टी को कंपेल किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, जो कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशन है उसी कंडीशन के बेस पे फुलफिल किया जाएगा। लेकिन जहाँ पर कोर्ट ने कोई कंडीशंस, कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंडीशंस नहीं लगाई गई, उस मामले में वो कोर्ट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि कोर्ट उस मामले में क्या डिसीजन देता है, क्या वो अपनी डिस्क्रिशन को फॉलो करता है। हालांकि अब जो 2018 का अमेंडमेंट जो आ गया उसमें काफ़ी हद तक कोर्ट की कुछ डिस्क्रिशन को लिमिट कर दिया गया है, मे वर्ड को शैल वर्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है कि सारा का सारा कोर्ट के डिस्क्रिशन पर नहीं होने चाहिए। कुछ ऐसे मैटर्स भी हैं जहाँ कोर्ट के डिस्क्रिशन से पार्टीज को नुकसान हो सकता है, उन मैटर्स में कोर्ट के डिस्क्रिशन की बजाय कंपल्शन कर दिया गया, ड्यूटी बाउंड कर दिया गया कोर्ट को कि कोर्ट को ड्यूटी बाउंड हो गया और कोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा। जो रेमेडीज हैं जो सिविल कोर्ट्स में दी जाती हैं और किसी रॉन्ग, किसी गलती के लिए या किसी इंजरी, किसी चोट के लिए, वो दो क्लासेस में डिवाइड होती है। पहला, सूटर ऑब्टेन करता है वही चीज़ जिसकी वो एंटाइटल हकदार है। जो मकान का हमने एग्जांपल लिया, जो प्रॉपर्टी का एग्जांपल लिया, सूटर मतलब जिसने सूट फाइल किया वो उसी चीज़ की डिमांड करता है जिसका वो हकदार है। और दूसरा वो है जिस रेमेडी के अंदर वो चीज़ तो उसे नहीं मिल सकती, जैसे अभी मैंने बताया जो म्यूजिशियन है वो सही प्रॉपर म्यूजिक जो है नहीं देगा, उस मामले में हम उससे कंपनसेशन और डैमेजेस उस लॉस के रिगार्डिंग हम ले सकते हैं। तो दो प्रकार की रेमेडीज है स्पेसिफिक रिलीफ में। ये नहीं है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नाम दे दिया गया तो आप सिर्फ स्पेसिफिक रिलीफ ही लोगे, आप कंपनसेशन भी डिमांड कर सकते हो स्पेसिफिक रिलीफ के साथ साथ। और जहाँ पर कोर्ट की डिस्क्रिशन हो जाएगी, कोर्ट क्या करेगा, कंपनसेशन भी दे सकता है और स्पेसिफिक रिलीफ भी दे सकता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब ये दो मैंने डिवाइड किया हेडिंग में कि जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत डैमेजेस और कंपनसेशन भी ले सकते हैं। और हमें ये लगता है कि जहाँ पर मॉनेटरी रिलीफ, जो रुपए का जो हमें रिलीफ मिल रहा है, जो रुपए की जो हमें रिलीफ का मतलब है जो सहायता या जो राहत मिल रही है कोर्ट के थ्रू, वो हमें रुपए में नहीं चाहिए, तो उस मामले में हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में SRA 1963 के तहत। SRA शॉर्ट फॉर्म है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। और जब हम डैमेजेस और कंपनसेशन से हमारा काम चल जाता है तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कोर्ट में सूट फाइल करते हैं। अब बात आती है रिलीफ। रिलीफ कितने प्रकार के होते हैं? रिलीफ दो प्रकार के होते हैं, स्पेसिफिक और प्रिवेंटिव रिलीफ। स्पेसिफिक रिलीफ तो है सेक्शन 5 से 35 तक, प्रिवेंटिव रिलीफ जो है सेक्शन 36 से 44 तक। जो सेक्शन 36 से 44 तक जो रिलीफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वहीं से पूछे जाते हैं। तो इन दोनों स्पेसिफिक रिलीफ को, प्रिवेंटिव रिलीफ को, दोनों को हम पर्टिकुलर एक एक दिन में दो दो सेक्शन या एक एक सेक्शन लेकर कवर करेंगे और डिटेल में कवर करेंगे कि इनके रिगार्डिंग कोई डाउट ना रह जाए। क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ और प्रिवेंटिव रिलीफ वो कोर एरिया है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मेंस में पूछे जाते हैं। प्री में तो हर एक लाइन जो है, हर एक वर्डिंग जो है, हर एक सेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन मेंस में इन्हीं पर ज़्यादातर फोकस रहता है। अब बात आती है इक्विटल रिलीफ की। पीछे किया स्पेसिफिक रिलीफ और फिर बात करी हमने प्रिवेंटिव रिलीफ। अब इक्विटेबल रिलीफ क्यों बोला गया? इक्विटेबल रिलीफ जो होता है वो इक्विटी पे बेस्ड होता है, डिस्क्रिशन पे बेस्ड होता है, इसलिए इन रेमेडीज़ को इक्विटेबल रिलीफ बोला गया है। इक्विटेबल रिलीफ जो होती है वो कोर्ट के द्वारा ग्रांट करी हुई रिलीफ होती है, जिसमें कोई पार्टी अपना एक्ट परफॉर्म करवाना चाह रहा है और दूसरे व्यक्ति को किसी चीज़ के लिए प्रिवेंट करना चाह रहा है, रोकना चाह रहा है, उसके रिगार्डिंग कुछ लीगल रेमेडीज होते हैं, कुछ कानून रेमेडीज हैं। रेमेडीज मतलब जो कुछ हमें उपाय दिए गए हैं उन उपायों को हम फॉलो करते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज हैं, आप इनको माइंड में रखना और इन्हीं हिसाब से अपने चैप्टर जो हैं सारे सेट किए गए हैं। सारे के रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 5 से 8 में हो जाएगा। 6 और 5 और 6 जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है।
और आठ, सात और आठ जो मूवेबल के रिगार्डिंग है, तो इसमें जो पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी दोनों आएगी, इमूवेबल भी आएगी और मूवेबल भी आएगी, तो आप इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा सेक्शन 9 से 25। रेक्टिफिकेशन करना किसी भी इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई भी दस्तावेज है उसको इंस्ट्रूमेंट बोला जाएगा। ये कोई सितार और गिटार नहीं है, ये वैसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक लिखित दस्तावेज है, उसको रेक्टिफाई करना, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करना, रिसीशन करना यानी कि वॉइडेबल करवा देना, किसी कॉन्ट्रैक्ट को रिसीशन आ गया। कैंसिलेशन करना, कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया उसको हमने कैंसिल कर दिया, दोनों की टर्म्स एंड कंडीशन पे वो हम डिटेल में करेंगे। डिक्लेरेटरी डिग्री भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिक्लेरेटरी का मतलब है कि मान लो मैं डिक्लेयर करवा रहा हूँ कि मैं पर्टिकुलर गांव का रहने वाला और वहाँ के मेरे सारे आईडी प्रूफ से मुझे वहाँ का जो है नागरिक घोषित किया जाए, वो मैं डिक्लेयर करवा रहा हूँ कानूनी तौर पर। इंजंक्शन के अंदर डैमेजेस आ गए, मैंडेटरी इंजंक्शन आ गए, टेम्परेरी इंजंक्शन है जो CPC में दिए गए हैं, SRA में दिए गए, ये कुछ एक इंजंक्शन हैं जो हम प्रिवेंटिव रिलीफ में करेंगे। उसके साथ ही स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं क्या है, ऐसा क्या प्रोविज़न था जो 1963 में ऐड किया गया और जिसे जिसके कारण जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 रिपील कर दिया गया। 1877 में इंजंक्शंस थी जो 1963 में भी थी। 1877 में अकाउंट और रिसीवर था चैप्टर जिसको रिपील कर दिया गया, क्योंकि रिसीवर जो है ऑर्डर 41 CPC में दिया गया था, 1877 पहले आया था, फिर 1908 में आ गया CPC में रिसीवर दे दिया, तो उसे रिपील करना भी ज़रूरी हो गया था। पोजेशन जो 1877 में भी है और पोजेशन जो है 1963 में भी है। स्पेसिफिक रिलीफ था 1877 में और इसमें क्या है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और स्पेसिफिक रिलीफ तो ऑटोमेटिकली जो है इसमें इंक्लूड है। 1963 के जो एक्ट है उसमें रेक्टिफिकेशन, रिसीशन, कैंसलेशन, डिक्लेरेटरी डिक्री, ये इसमें इंक्लूड कर दिया गया। डिक्लेरेटरी डिक्री भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। कैंसलेशन, रिसीशन और रेक्टिफिकेशन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मिलता जुलता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके रिगार्डिंग किया जाएगा, और पोजेशन होगा। तो इन दोनों का मोटा मोटा डिफरेंस यही है, ज़्यादा डिफरेंस करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए 2018 का जो अमेंडमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी कोशिश रहेगी कि अगला जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो टॉपिक है पहले हम अमेंडमेंट पे कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हम SRA को पढ़ लेंगे, तो हमें जहाँ जहाँ SRA को पढ़ेंगे तो साथ में अमेंडमेंट को लेके चलेंगे, तो हमारे माइंड में कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। और ये भी कर सकते हैं कि पहले हम SRA कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद जो अमेंडमेंट को डिस्कस कर लेंगे, जैसे ठीक लगेगा हम उसको कर लेंगे। होप आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का इंट्रो समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई सजेशन, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोरोना का इश्यू भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, अब अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए और कम से कम घर से बाहर निकलिए, अपने घर के बच्चों को संभाल के रखिए, घर के बुजुर्गों को संभालिए, प्रिकॉशंस लीजिए और अपने आप को इसमें बचाइए, सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपको फर्दर भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस की ज़रूरत है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जो फ्यूचर में आपको सबसे पहले जो है वीडियो मिल जाएंगे। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कुछ सजेशन हो तो आप वो ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।